Hi, hello everyone. Welcome to my channel Tarot 313. I hope you all are doing great. So guys, आज हम देखेंगे आपके पार्टनर्स आपके लिए क्या फील कर रहे हैं. जैसे मैं डेली देखती हूँ उनकी करंट फीलिंग्स की रीडिंग. सो देखेंगे उनकी इमोशंस क्या हैं, करंट इमोशंस, करंट फीलिंग्स, करंटली क्या फील कर रहे हैं एंड उनकी इंटेंशन क्या हैं, क्या सोच रहे हैं आपको लेके. मैं टैरो भी यूज़ करूँगी एंड डिफरेंट ओरेकल डेक्स भी यूज़ करूँगी, ठीक है. सो गाइज, रीडिंग कलेक्टिव है, जनरल है, फॉर ऑल जेंडर्स एंड ऑल साइंस. आप इस रीडिंग को मेल, फीमेल और सेम जेंडर के लिए देख सकते हो. टाइमलेस है, सो जब भी देखोगे रेजोनेट करेगा. जितना रेजोनेट करता है उतना रखना है, बाकी को जाने देना है. चैनल पे न्यू है, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो करें. इंस्टा का आईडी है tarot313. पेड पर्सनल रीडिंग्स की डिटेल्स के लिए आप लोग मेरे ईमेल पे कॉन्टैक्ट कर सकते हो. ईमेल आईडी आपको मेरा इसी चैनल के अबाउट में मिल जाएगा, ठीक है. सो थैंक यू सो मच फॉर योर सपोर्ट एंड लव गाइज. इस तरह मुझे सपोर्ट करते रहे, मैं आप लोगों के लिए अच्छी से अच्छी रीडिंग लेके आती रहूँगी. बहुत से लोग कह रहे थे कि पिकअप पाइल रीडिंग करें आप करंट फीलिंग्स पे. सो गाइज, मैं इन द नियर फ्यूचर वो भी करूँगी, ठीक है. सो मैं लास्ट पे यहाँ से भी देखूँगी कि आपके लिए क्या आ रहा है, ठीक है. ये मेरी हैंड रिटन चिट्स हैं कि आपके लिए नेक्स्ट यूनिवर्स की तरफ से, एंजल्स की तरफ से, डिवाइन की तरफ से आपके इस कनेक्शन में क्या आ रहा है, ठीक है. सो अपने पर्सन भी आप लोग फोकस रखें, देखते हैं कि वो क्या फील कर रहे हैं, क्या करंटली उनके इमोशंस हैं, क्या फीलिंग्स हैं एंड क्या सोच रहे हैं आपको लेके. आपके पर्सन डीपली ट्रूली क्या फील करते हैं आपके लिए. सो डिवाइन गाइड करें जो रिवर्स रीडिंग को देख रहे हैं, उनके पार्टनर उनके लिए क्या फील कर रहे हैं, क्या इमोशंस हैं, क्या सोच रहे हैं. सो फर्स्ट वी हैव 3 ऑफ पेंटिकल्स, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न. देन वी हैव 5 ऑफ पेंटिकल्स, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न. नाइट ऑफ कप्स, कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो. काफ़ी डेज बाद मैं ये अपनी डेक यूज कर रही हूँ. 10 ऑफ स्वॉर्ड्स, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस. वन मोर कार्ड, मेरे रिवर्स के पार्टनर्स की करंट फीलिंग्स क्या हैं. ओके, सो लास्ट वी हैव नाइट ऑफ पेंटिकल्स, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न. एंड बॉटम ऑफ द डेक है हमारे पास स्ट्रेंथ, बैक टू बैक मेजर अरकानास. ओह माय गॉडनेस. सो डेफिनेटली गाइस, यहाँ पे सेपरेशन है, आप नो कॉन्टेक्ट है. इस पर्सन ने चीट किया थर्ड पार्टी की वजह से, मुझे यहाँ पे नज़र आ रही है थर्ड पार्टी. थर्ड पार्टी आपकी इस कनेक्शन में है डेफिनेटली, ठीक है. और ये पर्सन ने थर्ड पार्टी की वजह से आपको चीट किया, आपको धोखा दिया, आपको छोड़ के कहीं और गया. और अब ये पर्सन क्या फील कर रहा है, अब ये पर्सन डिवाइन का वेट कर रहा है कि किस्मत का पहिया घूमे और ये दोबारा आपके पास आए. बिकॉज़ ये पर्सन इस टाइम काफ़ी लोनलीनेस फील कर रहा है, काफ़ी डिटैचमेंट फील कर रहा है, जैसे आपने इस पर्सन को छोड़ दिया है. लेफ्ट आउट बहुत ज़्यादा ये गाइस पर्सन फील कर रहा है, ठीक है. और आपकी तरफ आना चाहता है, आपको ऑफर देना चाहता है, आपको लव प्रपोजल देना चाहता है, ठीक है. ये पर्सन आपको प्रपोज करना चाहता है, ये पर्सन अब आपके लिए काफ़ी लव फील कर रहा है, आपसे बात करना चाहता है, टीम वर्क करना चाहता है. कुछ म्यूचुअल फ्रेंड्स भी आपके हो सकते हैं, ठीक है. सो ये पर्सन उनसे हो सकता है इन्फॉर्मेशन आपके बारे में ले रहा है. बट डेफिनेटली ये पर्सन सोच रहा है आपसे बात करने का, टीम वर्क करने का. और कुछ लोग हो सकता है इस पर्सन के साथ ऑलरेडी बिजनेस करते हैं, ठीक है. बट डेफिनेटली गाइस, ये पर्सन ने स्ट्रेंथ बनाई हुई है, पावर बनाई हुई है ताकि आपकी तरफ आ सके. इस टाइम काफ़ी ज़्यादा ये पर्सन सोच रहा है. हमारे पास नाइट ऑफ कप्स का है. कुछ लोगों के पार्टनर्स तो डेफिनेटली उनको प्रपोजल अभी देना चाहते हैं, बिकॉज हमारे पास नाइट ऑफ कप्स है, नाइट ऑफ पेंटिकल्स है. और कुछ लोगों के पर्सन उनको कमिटमेंट देने चाहते हैं, बट अभी मोमेंट नहीं है, अभी ये पर्सन बहुत सोच रहा है, ठीक है. डेफिनेटली ये पर्सन चेंजिंग चाहता है. इस टाइम अपनी लाइफ में काफ़ी चेंजेस से गुजर रहा है, फाइनेंशियल इश्यूज काफ़ी ज़्यादा चल रहे हैं, फाइनेंशियली काफ़ी ज़्यादा डिसेबल, मतलब लाइक सेटल नहीं है ये पर्सन. सो या सो डेफिनेटली गाइस, ये पर्सन इस टाइम पावर बना रहा है ताकि किस्मत का पहिया घूमे. इस टाइम थर्ड पार्टी सिचुएशन में है, तो डेफिनेटली ये पर्सन ने अपनी स्ट्रेंथ बनाई हुई है, पावर बनाई हुई है कि वहाँ से बाहर निकल सके. बिकॉज अभी जो है ना, इस पर्सन किसी कार्मिक पार्टनर से डील कर रहा है और वहाँ पे हो सकता है ला का केस चल रहा है, कार्मा डील कर रहा है. बैक टू बैक आप लोग गाइस देख सकते हो, यहाँ पे मेजर अरकानास हैं. डेफिनेटली ये पर्सन कार्मा डील कर रहा है अपने, हो सकता है लीगल केस इसका थर्ड पार्टी के साथ चल रहा है. अगर नहीं है तो डेफिनेटली ये पर्सन आपकी तरफ आना चाहता है. इस टाइम अपने कार्मा फेस कर रहा है और आपसे दोबारा रीयूनियन करना चाहता है, आपको मैरिज का प्रपोजल देना चाहता है, आपसे शादी करना चाहता है, इक्वल गिव एंड टेक करना चाहता है, जो पास्ट में ये पर्सन आपसे नहीं कर पाया. बट डेफिनेटली ये पर्सन किस्मत का वेट कर रहा है कि किस्मत ही अब सब कुछ ठीक कर सकती है. बिकॉज कुछ लोगों के पार्टनर्स के हाथ में अब कुछ भी नहीं है. थर्ड पार्टी में है तो वहाँ से नहीं निकल सकता. अगर थर्ड पार्टी में नहीं है तो डेफिनेटली वो कुछ कर नहीं सकता, क्योंकि इसने आपको चीट किया है ना. अब चीट करके गया तो किस मुँह से ये पर्सन वापस आएगा, ये भी तो पॉइंट है. बहुत से लोग कहते हैं हमारे पर्सन आ नहीं रहे, कॉल नहीं कर रहे, ये है वो है. तो गाइस, आप वेट कर रहे हो तो कैसे आएगा वो पर्सन आपके पास. पहले वेट करना छोड़ो,
देखो आपके कनेक्शन में हुआ क्या है, सिचुएशन क्या है, क्या कंडीशन है आपके सिचुएशन की, किसने क्या चीट किया है, क्या किया है। उस पर्सन के पास वापस आने के लिए कोई मुंह भी तो ऐसा होना चाहिए ना, किस मुंह को लेकर वापस आया, आपके साथ बुरा तो कर गया है, आप एक्सेप्ट करोगे नहीं करोगे या क्या हो सकता है उसके साथ, उसको तो नहीं पता। ठीक है, तो कोई भी पर्सन अपनी गलती तो एक्सेप्ट करने वाला ही नहीं ना है, करेगा ही नहीं, लोग नहीं अपनी गलती एक्सेप्ट करते गलती पे होने के बावजूद। बट इसने गलती की है तो आपने कुछ नहीं करना, आप मैनिफेस्ट करो और चिल रहो, सरेंडर करो। चलें यहाँ से भी देखते हैं क्या फील कर रहे हैं मेरे व्यूअर्स के पार्टनर उनके लिए, क्या एनर्जी है, क्या सोच रहे हैं। ओके, डोर टू रोमांस डेफिनेटली गाइस, पर्सन की एज 33 हो सकती है, 6 नंबर इंपॉर्टेंट है आपके लिए, 6 इस पर्सन का बर्थ मंथ, डेट ऑफ बर्थ, लाइफ पाथ नंबर, डेस्टिनी नंबर हो सकता है, आपका भी हो सकता है। डोर टू रोमांस डेफिनेटली, ये पर्सन आपसे बहुत लव करता है और ये दोबारा आपको प्रपोजल देना चाहता है। आई ऑलरेडी टोल्ड यू, नाइट ऑफ कप्स, ये पर्सन चाहता है आपको अपने दिल की बात कहे, बिकॉज काफ़ी लव करता है आपसे। इस पर्सन का भी दिल जो है ना, जैसे इस पर्सन की दिल की चाबी आपके पास, दिल बंद है, एक केज्ड है, ठीक है, पिंजरा टाइप बना हुआ है यहाँ पे डेफिनेटली। तो ये पर्सन का दिल केज्ड है आपके पास, इस पर्सन के दिल की चाबी है, आपसे ही इस पर्सन की खुशी है डेफिनेटली। या बॉटम ऑफ द डेक फाइनेंशियल कॉन्स्टेंट्स, डेफिनेटली ये पर्सन क्राइसिस से गुजर है, फाइनेंशियली स्टेबल नहीं है ये पर्सन, इसीलिए मुझे लगता है काफ़ी प्रॉब्लम्स हैं। पास्ट में भी फाइनेंसिस की वजह से ही प्रॉब्लम्स हुई हैं आपकी, बहुत से लोगों का फाइनेंशियल इश्यूज निकलते हैं क्योंकि इतना पावर नहीं होता वो पर्सन के आपके लिए स्टेप ले सके। पैसे के बिना तो ज़िंदगी नहीं गुजरती ना, प्यार के बिना भी नहीं गुजरती, लेकिन पैसा बहुत इंपॉर्टेंट है गाइस, बहुत ज़्यादा पैसा भी नहीं। बट ऑब्वियसली इस पर्सन के पास इतना पैसा नहीं है या पास में नहीं था कि आपके साथ आगे रिलेशनशिप चला सके। पॉलिटिक्स डेफिनेटली, इस पर्सन ने आपको चीट किया, आई ऑलरेडी टोल्ड यू, ये पर्सन बहुत ज़्यादा टॉक्सिक है, नर्सिसिस्टिक नेगेटिव थिंकिंग है इस पर्सन की। इस पर्सन ने फेस पे मास्क पहना हुआ है डेफिनेटली, ये पर्सन आपको शो तो करता है जैसे ये पर्सन अपनी लाइफ में बहुत हैप्पी है, जबकि इसका रियल फेस जो है ना वो स्नेक का है, यहाँ पे स्नेक की एनर्जी है डेफिनेटली। दिस पर्सन इज सो नेगेटिव एंड टॉक्सिक, चीट किया, झूठ बोले हैं इस पर्सन ने आपसे पास्ट में, माइंड गेम्स खेली हैं। ट्रांसफॉर्मेशन, आप ये पर्सन ट्रांसफॉर्मेशन चाहता है, चेंजिंग चाहता है। आपको जो चीट किया उसका इस पर्सन पे बर्डन है बहुत ज़्यादा, अब रिवर्स चाहता है उस कनेक्शन की। डेफिनेटली स्टार साइन कुछ भी हो सकता है गाइस, बट ये पर्सन आप ट्रांसफॉर्मेशन चाहता है, चीटिंग्स की एनर्जी की वजह से ना ये बहुत प्रेशर फील कर रहा है, अपने आप को एग्जॉस्टन फील कर रहा है। ये पर्सन को लगता है जैसे इस पर्सन पे बहुत बर्डन है, दबा हुआ फील कर रहा है, उस चीज़ का स्ट्रेस है कि इसने आपके साथ अच्छा नहीं किया, मुझे अपना कार्मा फेस कर रहा है गाइज। ये पर्सन थर्ड पार्टी में है तो कार्मिक पार्टनर से डील कर रहा है, वहाँ बड़ी स्टक और बहुत ज़्यादा तंग जिंदगी गुजार रहा है, मुझे लगता है हैप्पी नहीं है वहाँ पे ये पर्सन, इसीलिए आपकी तरफ लव फील करता है ये पर्सन, क्योंकि जैसा लव आपने दिया है ना इस पर्सन को, मेरा नहीं ख्याल इस पर्सन को लव अब मिल रहा है। इंडिविजुअलिटी डेफिनेटली आपको कहा जा रहा है, अपनी इंडिविजुअलिटी पे जो है ना आप फोकस करो, अपने खुद की पहचान बनाओ और अपने खुद को जानो, आप क्या चाहते हो सबसे पहले खुद को प्रेफर दो, ठीक है, अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट, आप क्या चाहते हो। अगर ये पर्सन आपके पास आता भी है ना गाइस, तो आपने जो आप चाहते हो ना आपने इसको क्लियर बताना है, ठीक है। 47 इस पर्सन की एज हो सकती है या आपकी एज हो सकती है, कुछ लोगों का एज डिफरेंस हो सकता है, बट मुझे ज़्यादा एज डिफरेंस यहाँ पे नज़र नहीं आ रहा। लॉयल्टी, या ये पर्सन लॉयल्टी फील कर रहा है आपकी तरफ, ज़रूरी नहीं है सबके पर्सन ने उनको चीटिंग किया हो, बट मोस्टली यहाँ पे मुझे एनर्जी चीटिंग की आ रही है, काफ़ी लोगों के पार्टनर्स ने उनको चीट किया है। अब ये पर्सन को लॉयल्टी समझ आ रही है कि आप लोग लॉयल थे इसके साथ या ये पर्सन लॉयल था, इंट्यूटिव है काफ़ी ये पर्सन। 33 47 या 33 या ओ माय गॉड, यहाँ पे आप लोग देखेंगे इट्स 33 टू टाइम्स रिपीट हुआ है, तो 33 नंबर बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको ऐसे 333 नज़र भी आ सकता है नंबर, एंजल नंबर, ठीक है, 333 333 ये नंबर आपको नज़र भी आ सकते हैं, ये नंबर बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए 333। कंक्लूजन डेफिनेटली, ये पर्सन आप पिछले चैप्टर क्लोज करके एक न्यू सर्कल स्टार्ट करना चाहता है। यहाँ पे भी हमारे पास 10 की एनर्जी है, 12 नंबर इंपॉर्टेंट है, 10 12 इस पर्सन की डेट ऑफ बर्थ हो सकती है, आपकी हो सकती है,
डेफिनेटली ये पिछला सब कुछ ख़त्म करके एक न्यू चैप्टर स्टार्ट करना चाहता है, कंक्लूजन, या ये पर्सन पास्ट में आपके साथ ख़त्म तो कर गया था, अब न्यू स्टार्ट करना चाहता है एंड थर्ड पार्टी में है तो वहाँ पे चीज़ें ख़त्म करना चाहता है, कंक्लूजन, या लव, दिस पर्सन इज़ लव यू, या ये पर्सन लव करता है आपके साथ। 10 नंबर कंप्लीशन चाहता है आपके साथ, लव की एनर्जी है यहाँ पर, लव तो करता है, प्रपोजल देना चाहता है आपको। चलें यहाँ से भी देखते हैं क्या फील कर रहे हैं मेरे यूजर्स के पार्टनर्स उनके लिए, करंटली फीलिंग्स, करंट इमोशंस, क्या सोच रहे हैं। सोच तो रहा है ये पर्सन रीयूनियन का आपके साथ, मूविंग ऑन। डेफिनेटली ये पर्सन आना चाहता है गाइस आपकी तरफ, ट्रैवल करके पीसफुली एक्शन लेना चाहता है, इस टाइम डार्कनेस में है, लाइट की तरफ आना चाहता है ये पर्सन, अपनी लाइफ में ग्रोथ चाहता है। इस टाइम काफ़ी बर्डन में है, काफ़ी स्ट्रेस में है, वहाँ से निकलना चाहता है। फिर फाउंडेशन, ये पर्सन आपके साथ फाउंडेशन स्ट्रॉन्ग करना चाहता है, काफ़ी ज़िद्दी भी हो सकता है ये पर्सन। ट्रम्प सक्सेस, न्यू बिगनिंग चाहता है, क्लैरिटी देना चाहता है आपको, क्लैरिटी देने का सोच रहा है, कम्युनिकेशन करने का सोच रहा है गाइस ये पर्सन आपके साथ, बिकॉज डेफिनेटली ये पर्सन लव देना चाहता है आपको। इसके हाथ में हार्ट है और यहाँ पर भी हार्ट है, इसके दिल की चाबी आपके पास, इसके दिल में आप ही हो, चाहे आप मानो या ना मानो, बिकॉज शो नहीं करता ये आपको, बट है सही। स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ, इस पर्सन की स्पिरिचुअल अवेकनिंग हो रही है, अपने आप को स्ट्रेंथ बना रहा है, यहाँ से भी स्ट्रेंथ का कार्ड है हमारे पास। बोर्डम एंड डिस्कनेक्ट, ये पर्सन बहुत बोर फील कर रहा है, अनहैप्पी है अपनी लाइफ में, काफ़ी सैड है, मिस कर रहा है आपको, अपने आप को इनकम्प्लीट फील कर रहा है। अब मैं यहाँ से थोड़ा सा नेक्स्ट एक्शन देखूँगी कि इस पर्सन का नेक्स्ट एक्शन होगा क्या। व्यूअर्स के पार्टनर्स का नेक्स्ट एक्शन क्या होगा, वन प्लीज गाइड करें। देन मैं अपने हैंड रिटन शीट्स देखूंगी कि वहाँ से आपके लिए आ क्या रहा है इस कनेक्शन में, नेक्स्ट एक्शन मेरे व्यूअर्स के पार्टनर्स का। या द चैरियट, ये पर्सन कम्युनिकेशन करना चाहता है डेफिनेटली, या द मून, ये पर्सन अपनी फीलिंग्स आपको बताना चाहता है जो काफ़ी टाइम से बता नहीं सका। सीक्रेट एडमायर भी हो सकता है, आपका क्रश हो सकता है। डेफिनेटली गाइस हमारे पास टू ऑफ कप्स है, सिक्स ऑफ स्वॉर्ड है, सिक्स ऑफ स्वॉर्ड हमारे पास ये नीचे यहाँ पे भी है, ठीक है। द चैरियट, डेफिनेटली गाइस ये पर्सन एक्शन लेगा आपकी तरफ, 6 मंथ 7 मंथ में, 2 मंथ्स में, 2, 6 या 7 मंथ में, या 2, 6 या 7 वीक्स में ये पर्सन आपकी तरफ एक्शन लेगा, बिकॉज आपका सोलमेट है ये पर्सन, आपकी तरफ परफेक्शन फील करता है, परफेक्ट कपल जैसे आप इस पर्सन को सही से परफेक्ट हो आप इसके लिए, ठीक है। डेट करना चाहता है ये पर्सन आपको, डेट करेगा आपकी तरफ, ट्रैवल करके आएगा, लॉन्ग डिस्टेंस है यहाँ पे, कम्युनिकेशन करना चाहता है ये पर्सन, विक्ट्री चाहता है। ब्लैक एंड वाइट का कपल हो सकता है, आप दोनों एक दूसरे को अच्छे से कॉम्प्लीमेंट करते हो, इस पर्सन को भी पता है कि आप ही इस पर्सन के लिए परफेक्ट हो। अब वर्ड समझ आ रही है, पहले नहीं आ रही थी, शोर की समझ आती है गाइस आपको, होते हुए किसी को भी आपकी वैल्यू और कदर नहीं होती, इसीलिए साइलेंट ट्रीटमेंट दें इस पर्सन को और अपनी लाइफ इंजॉय करें। मिलना है तो ज़रूर मिलोगे, बट यहाँ पे मैंने आपको टाइमिंग बता दी है, एक्शन के चांसेस हैं, ये पर्सन आएगा आपको, हो सकता है मैरिज की, एंगेजमेंट की कमिटमेंट देगा, और डेफिनेटली आपकी तरफ आने के चांसेस हैं, बिकॉज आने के चांसेस हैं यहाँ पे। यहाँ पे मूवमेंट के दरमियान में कार्ड है स्टेबिलिटी का। चलें यहाँ से देखते हैं क्या आ रहा है आपके लिए, सो लेट्स सी। ओके सो इतनी बहुत है आई थिंक। ड्रीम्स, सो आपने जो ड्रीम्स देखे हैं या ड्रीम्स जो भी आपका है वो पूरा होने वाला है। इंगेजमेंट आई ऑलरेडी टोल्ड यू, भी बताया मैंने आपको, इंगेजमेंट या लव, शादी का प्रपोजल दे सकते हैं आपको, ठीक है। कमिटमेंट, मैनिफेस्टेशन गाइस, आप बहुत टाइम से मैनिफेस्ट कर रहे हो जो, वो पूरा होने वाला है। सरप्राइज मिलेगा, अचानक से आ सकता है ये पर्सन, सरप्राइज दे सकता है आपको, आपने सोचा भी नहीं होगा, ठीक है। सो गाइस दिस इज़ योर रीडिंग, काफ़ी अच्छी रीडिंग है। सो पसंद आई है रीडिंग या रेजोनेट की है तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। आई विल सी यू इन माय नेक्स्ट वीडियो, टिल देन टेक केयर, बाय बाय।